नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में, यानी कुंडली से हम कैसा पता कर सकते हैं कि आपकी वृश्चिक राशि है और आपके पास अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो आप नाम से कैसे पता करें कि आपकी वृश्चिक राशि है। और अगर आपको पता चल गया नाम से या कुंडली से आपकी वृश्चिक राशि है, तो आप किन लोगों के साथ शादी करें, किन नाम के लोगों से या किन राशि से करें। तो दोनों ही मेथड बहुत सिंपल है, आपको बहुत आसानी से समझाने जा रहा हूं, बहुत सरलता पूर्वक आप समझ जाइए, आपको भी पता चल जाएगा। तो देखिए, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 ही राशि होती है, जैसे 1, 2, 3, ऐसे कहीं पर भी 8 लिखा हो, 8 का मतलब वर्चिक, और उसमें 4 लिखा हो, तो आप समझ लीजिए जातक की वर्चिक राशि हुई। और ये 8 कहीं पर भी हो सकता है, इसमें अगर चंद्रमा, 4 का मतलब चंद्रमा स्थित हो, तो आप वर्चिक राशि के जातक हुए। और अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, तो अगर आप ना या के, आपका जो नाम है वो ना या से आता है, तो भी आप वृश्चिक आपकी राशि हुई। अब मैं कुंडली के हिसाब से मैंने आपको बता दिया 8 जहां पे लिखा है, या फिर ना और या नाम के लोगों की वृश्चिक राशि होगी। अब मैं आपको बहुत सरल तरीके से पहले कुंडली के हिसाब से बताऊंगा और फिर नाम से बताऊंगा। तो देखिए, कहीं पर भी 1 लिखा है, उसमें चंद्रमा हुआ, तो आप मेष राशि के लोगों से शादी कर सकते हैं। कहीं पर भी 4 लिखा, उसमें चंद्रमा है, तो आप कर्क राशि के लोगों से शादी कर सकते हैं। कहीं पर भी 5 लिखा है, उसमें चंद्रमा, तो भी आप शादी कर सकते हैं। कहीं 8 लिखा है, तो आप वृश्चिक होके वृश्चिक राशि के लोगों के साथ भी शादी कर सकते हैं। कहीं पर 9 लिखा है, तो आप धनु नाम के लोगों से शादी कर सकते हो, यानी धनु राशि से आप शादी कर सकते हो। कहीं पे 12 लिखा है, उसमें चंद्रमा है, तो आप मीन राशि के लोगों से भी शादी कर सकते हो। किससे ना करें, कहीं पे 2 लिखा है, उसमें चंद्रमा है, तो वृषभ लोगों के साथ ना करें। कहीं पे 3 लिखा है, उसमें चंद्रमा है, तो मिथुन लोगों के साथ ना करें। कहीं पर 6 लिखा है, उसमें चंद्रमा है, तो कन्या लोगों के साथ ना करें। कहीं पे 7 लिखा है, तो तुला लोगों के साथ ना करें। कहीं पे 10 लिखा है, उसमें चंद्रमा है, तो मकर लोगों के साथ भी ना करें। कहीं पे 11 लिखा है, उसमें चंद्रमा है, तो उन लोगों के साथ भी आप शादी मत करें। तो जहां जहां मैंने टिक लगाया है, जो जो मैंने बताया है, उनके साथ शादी करोगे तो आपको वैवाहिक जीवन में अच्छा फल देखने को मिलेगा। तो ये जो वीडियो है वैवाहिक जीवन के लिए है, तो वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। आप किन नाम के लोगों से, आपने समझ लिया, शादी कर सकते हैं कुंडली के हिसाब से। अब मैं आपको बताऊंगा नाम से। तो ना या से बनी आपकी वृश्चिक राशि, तो आप शादी कर सकते हैं आ ला ई नाम के लोगों से, क्योंकि आप मेष राशि वाले से शादी कर सकते हैं। डा और हा नाम के लोगों से भी आप कर सकते हैं। मा टा के नाम से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कर्क सिंह राशि वालों से आप शादी कर सकते हैं। ना या वृश्चिक राशि से आप शादी कर सकते हैं। फा भा डा इन नाम के लोगों से भी आप शादी कर सकते हैं। आप दा चा झा भा मीन राशि वाले लोगों से भी आप शादी कर सकते हैं। किससे ना करें, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, यानी बा वा उ का छा घा पा ठा ना रा ता खा जा गा सा स्वा, इन नाम के लोगों से आप शादी करोगे तो आपको वैवाहिक जीवन में अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, बड़े आसानी से मैंने आपको बता दिया कि किन लोगों से आप शादी कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, या वैवाहिक जीवन की दृष्टि से जो गुण मिलान होता है, कुंडली मिलान होता है, और जो दोष होते हैं, अगर उसके बारे में भी आप जानकारी लेना चाहिए, तो आप लिंक में जा सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।